हेलो एवरीवन, आज आमी चैप्टर फोर और सेकंड टॉपिक टू डिस्कस करें जितु हिसे सीमेंट कंक्रीट वर्क। सो आमार ए चैप्टर टूर मेन ऑब्जेक्टिव असले क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करा। ठीक है, तो लास्ट क्लास आमी प्लास्टरिंग करलो, आज आमी कंक्रीटर कारणे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्रीट की होय, कंक्रीट होय सीमेंट फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेटर मिक्सचर। सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट ऑब्वियसली पानी थको। तो आम क्वेश्चन लम और सल्व कर जागे तार रिलेटेड कन्सेप्टबूर चाह जा। तुम लोग कपि उलिया लबा, मैं जो बस्तु कै आसो बस्तु नोट डाउन कर लबा और लगते कैलकुलेटर तो लबा, बस्तुबूर कैलकुलेट करी जाबा। जेतिया बस्तुबूर कैलकुलेट करबा तेतिया तुम लोगों कन्फ्यूजन ना थाके। ठीक है, सो क्वेश्चन टू की है, कैलकुलेट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 10 क्यूबिक मीटर ऑफ एम 10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सो इते तुम लोगों गिवेन डेटा की हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जी एम 10 और वॉल्यूम कि उलियब लगे 10 क्यूबिक मीटर। हल इतना तुम लोग आगर क्लास मन पेलोन तक आम प्लास्टरिंग कारण करो। तो प्लास्टरिंग कि दिया आ प्लास्टरिंग थिकनेस दिया आ एरिया प्रोवाइड कर वेट वॉल्यूम तो कैलकुलेट करो। इतना पोर्शन तो स्किप किहर कारण कारण क्यों इतना डायरेक्टली वेट वॉल्यूम तो प्रोवाइड कर डायरेक्टली कि ड्राई वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर तार ग्रेड ऑफ कंक्रीटर जी मिक्स रेशियो हम तार इनग्रेडियंट्स वॉल्यूम कैलकुलेट कर। सो एटो आमार एटा क्यूब है जर वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। तो आमी प्रथम कि करें 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीटर कारण कैलकुलेशन तो कर लम, मैं ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेशन तो तक आम 10 टाइम्स कर दिन प्रसिड कर। तो आम 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीटर कारण ड्राई वॉल्यूम तो कैलकुलेट करें तरण वेट वॉल्यूम 52% ऑफ वेट वॉल्यूम तो प्लस कर 52% तो एक्सट्रा किहर कारण कन्सेप्ट आम मिक्सचर लैसो जो सीमेंट प्लस सैंड प्लस स्टोन हमने यू आम हम जीतु आम इनग्रेडियंट्स ड्राई ड्राई फर्म आसे तो आम यू हम ड्राई वॉल्यूम। कि तीन वाटर दीम ती हम जो ये मिक्सचर तो जीखिनि वॉइड आसे वॉइडखिनि वाटरे अक्युपाई करिबो आरु पार्टिकल बिलाक रीअरेंज हम रीअरेंज सेटल डाउन हो जाबो वॉल्यूम तो कमी जाबो। तो आम यही हम वेट वॉल्यूम हल ने एटिया सो एटु होइसे आमार वेट वॉल्यूम आरु एटु होइसे आमार ड्राई वॉल्यूम। तो सदा कि है ड्राई वॉल्यूम के वेट वॉल्यूम तो कम थाके कारण ड्राई स्टेट जिमान नहलेओ वॉइड थाकिबो आरु ताते जेते आमी पानी एड करिम पानी एड करार लगे लगे पार्टिकल बुर रीअरेंज हबो। तो एटु कन्सेप्टर एटु कारणे आमी कि करू जितिया आमी ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ वेट वॉल्यूम पर ए पोर्शन तो जे आमी एड करिबो लागे तार कारणे आमी ए एक्सट्रा तो एड करूँ। एटा बुझि पालाने कारण आमी उल्टा कोई गए आसो न एने आमी कि करूँ प्रथम ड्राई इनग्रेडियंट्स बुर दिउ ता पानी दिउ किन्तु आमाक प्रथम दिया आसे 10 क्यूबिक मीटर अफ एम 10 ग्रेड अफ कंक्रीट माने एटो आमार वेट वॉल्यूम दिया आसे। तो आमी ए वेट वॉल्यूम तो पर जदि ड्राई तो कैलकुलेट करूँ तो आमी ए एक्सट्रा पोर्शन तो जिखिनि कमी जाय हिखिनि आमी एड करिबो लागिब ने तार कारणे आमी 52% एड करिछो दे। तो आमार 1 मीटर क्यूबर कारणे वेट वॉल्यूम किमान हल 1 प्लस 52% ऑफ 1 दैट इज 0.52। तो आमार टोटल तो किमान हबो 1.52 मीटर क्यूब। एटु हबो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीटर कारणे हयने 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीटर कारणे। सो नेक्स्ट आमी कि करिम फॉर 10 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम किमान हबो जेतु आमी पाइसिलु मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट विल बी 15.2 मीटर क्यूब।
सो आमार की होल ड्राई वॉल्यूम टू उलाई गोल नेक्स्ट आमी की कोरे जितु आमार ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया आसे तार मिक्स रेशियो टूर हेल्प लोई पिने आमी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वॉल्यूम टू उलिया तो आमार की मान दिया आसे एम 10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्वेश्चन तो एने कोई ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू ए गिवन हबो सो तुमालके ग्रेड ऑफ कंक्रीट और एगेंस्ट मिक्स रेशियो टू जानिबो लागिबो जेने को इतिया एम टेन ग्रेड ऑफ कंक्रीटर कारण की है मिक्स रेशियो 1:3:6 तो 1:3:6 और पर आमी केने को उलियाम तार कारण ए बस्तु तो सु 1:3:6 गुटे किटा भाग जुग कर दियासु 1+3 4+6 10 हैने तो ए गुटे तो होइसे आमार ड्राई वॉल्यूम तारके आमी की करिम दसटा भागत भगाय लम दसटा इक्वल भागत भगाय लम होले यारे की हबो एभाग हबो सिमेंट ए भाग तो हबो सिमेंट होले तो आमी जेटा सिमेंट कैलकुलेट करिबले जाम तेटा आमी की करिम ए दह भागर एभाग माने वन टेंथ अफ टोटल वॉल्यूम आमार किमान आसे 15.2 मीटर क्यूब आमी किमान पाम 1.52 मीटर क्यूब हैने किंतु आमी आको कइसु एकटा कथा के जे 1.52 मीटर क्यूब आमी गोय टू वेंडरक एतु कोबो नारु से आमाक 1.52 मीटर क्यूब सिमेंट दियो सो आमी हे 1.52 मीटर क्यूब टुक आमी नंबर अफ बैग्स अफ सिमेंट लेके कन्वर्ट करि लबले तार कारणे आमार कन्वर्जन फैक्टर किमान हबो 28.8 केले कारण 1 मीटर क्यूब अफ जेते आमी वर्क करिबले जाम तेते आमाक इमान बैग्स अफ सिमेंट लागे सो जेते आमी मल्टीप्लाई करिम आमी किमान पाम 43.776 ताक आमी राउंड अप करी 44 बैग्स ठीक आसे सो जेतियाव सिमेंटर तुमालोके वॉल्यूम टू कैलकुलेट करबा त नंबर्स ऑफ बैग्स ऑफ सिमेंट लेके कन्वर्ट करि देबा नेक्स्ट आहिले आमार की फाइन एग्रीगेट हैने जेते आमी फाइन एग्रीगेट कैलकुलेट करिम तो आमार किमान आसे फाइन एग्रीगेट तीनटा पोर्शन माने गुटेकिटा आमी इक्वल पार्ट करिसिलु तो तारे आमार तीनटा पार्ट हबो फाइन एग्रीगेट दैट इज सेंड हैने तो एटा वॉल्यूमर एटा पार्टर वॉल्यूम जदि 1.52 होय तेतिया होले तीनटार की हबो 3 × 1.52 सो तुमालुके इदर एटू वेट करिब परा नहले 3/10 की होर कारणे 3/10 ए 10 भागर 3 भाग अमर सेंड होय तो 3/10 अफ जदि आमी 3/10 करू तेतिया मन करिबा जे आमी ए टोटल वॉल्यूम टू मल्टीप्लाई करिबो लागबो दैट इज 15.2 मीटर क्यूब हेतु आमी कैलकुलेट करी किमान पाम एतु सो 4.56 मीटर क्यूब दुइटाते सेम रिजल्ट पाबा ने नेक्स्ट आमार आहिले कोर्स एग्रीगेट और स्टोन হয়নে স্টোন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কিমান আছে কেইটা ভাগ ৰৈ গ'ল এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা হয়নে তো আমাৰ স্বভাগ হৈছে স্টোন তো 6 মাল্টিপ্লাইড বাই আমি এটা ভাগৰ ভলিউমটো মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ নহলে 6/10 মানে এই 10 ভাগৰ স্বভাগ হৈছে আমাৰ স্টোন তো আমি 10 ভাগৰ যেটা স্বভাগ বুলি কম তেতিয়া আমি ইয়াতে টোটেল কি কৰিম टोटल वॉल्यूम टू मल्टीप्लाई करें तो आमी किमान पाम कैलकुलेट करें 9.12 मीटर क्यूब 9.12 मीटर क्यूब सो तुमालोकर आंसर हबो 44 बैग्स 4.56 बैग्स आरु 9.12 मीटर क्यूब सॉरी एटु बैग नहय दे एटु क्यूबिक मीटर हबो तो মনত ৰাখিবা যে সিমেন্ট সদায় আমি নম্বৰ অফ বেগছত উলিয়াওঁ আৰু বাকী ফাইন এগ্ৰিগেট আৰু কোৰ্চ এগ্ৰিগেটটো আমি মিটাৰ কিউবত উলিয়াওঁ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা হোমৱৰ্ক ৰাখিছোঁ সেম প্ৰব্লেম কি কৰিবা গ্ৰেড অফ কংক্ৰিটটো এম 15 ল'বা আৰু
वॉल्यूम तो हम 100 क्यूबिक मीटर तार कारणे करिबा। नेक्स्ट হৈছে আমাৰ ফ্লোরিং, ঠিক আছে। আৰু ফ্লোরিং তো আমাৰ কেনেকুৱা টাইপ অফ ফ্লোরিং, সিমেন্ট কংক্রিট ফ্লোরিং, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা যে সিমেন্ট কংক্রিট ফ্লোরিংৰ কাৰণে আমি ফার্স্ট কোয়ান্টিটি টু কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম, ফ্লোর এরিয়া ইনটু থিকনেস, যেনেকৈ আমি প্লাস্টারিংত কৰিছিলোঁ। প্লাস্টারিংত আমি কি কৰিছিলোঁ, এরিয়া ইনটু থিকনেস কৰিছিলোঁ। ইয়াতো সেম হয় যে আমি ফ্লোর এরিয়াটোৰ লগত থিকনেসটো মাল্টিপ্লাই কৰিম। সো এটা কোয়েশ্চন লোৱা, কোয়েশ্চনটো হৈছে ক্যালকুলেট দ্য কোয়ান্টিটি অফ মেটেরিয়াল রিকোয়ার্ড ফর 10 মিটার স্কোয়ার ফ্লোর অফ থিকনেস 2.5 সেন্টিমিটার গিভেন গ্রেড অফ কংক্রিট M15। সো তোমালোকৰ কাৰণে তিনিটা ডেটা প্ৰভাইড কৰিছে, তিনিটা সেই প্ৰভাইডেড তিনিটা ডেটাৰ পৰা আমি কি কৰিম, সেই কংক্ৰিট ফ্লোৰটো বনাবৰ কাৰণে আমাক কিমানখিনি ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে সেই বস্তুটো কৰিম। ইয়াত আমাক ডিৰেক্টলি চোৱা দুইটাই কংক্ৰিট হয়। লাষ্ট যিটো প্ৰব্লেম কৰিলোঁ সেইটো কংক্ৰিটে আছিলে, এইটোও কংক্ৰিট হয়, কিন্তু তাত আমাক কি দিয়া আছিলে, ডিৰেক্টলি ভলিউমটো প্ৰভাইড কৰিছিলে, কিন্তু ইয়াতে প্ৰভাইড নাই কৰা। ডেট মিনছ আমি সেই ফ্লোৰ এৰিয়াটোৰ পৰা ফ্লোৰ এৰিয়াটো আৰু থিকনেছৰ পৰা আমি কোৱান্টিটিটো উলিয়াই ল'ম। আৰু কোৱান্টিটি কেনেকৈ উলিয়াম, ফ্লোৰ এৰিয়া ইনটু থিকনেছ কৰি পিনে। যেতিয়াও চ' এতিয়া আমি চলিউশ্যনত আহিছোঁ, যেতিয়াও চলিউশ্যন কৰিবা ফাৰ্ষ্ট গিভেন ডেটাবোৰ লিখি ল'বা। আৰু সদায় আমি কেলকুলেশ্যন কোনোবা এটা ইউনিটতহে কৰিব পাৰোঁ, দুটা সেম ইউনিটৰ কোৱান্টিটিহে মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰি, ডিভাইড কৰিব পাৰি। যিমানবোৰ আমি এলজেব্ৰিক অপাৰেশ্যন কৰিম, দুটা কোৱান্টিটি হওক বা তাতকৈ বেছি কোৱান্টিটি হওক, তাৰ আমি ইউনিটটো চেম হ'ব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, এৰিয়াটো যদি মিটাৰ কিউবত দিয়া আছে, আমি থিকনেছটো মিটাৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰিম। থিকনেছ দিয়া আছে 2.5 চেণ্টিমিটাৰ, তো চেণ্টিমিটাৰক যেতিয়া আমি মিটাৰলৈকে লৈ যাম, তেতিয়া কনভাৰ্জন ফেক্টৰ হ'ব 100, হয়নে? কিন্তু 100ৰে আমি ডিভাইড কিহৰ কেলে কৰিম, কাৰণ চেণ্টিমিটাৰতকৈ মিটাৰটো ডাঙৰ হয়। যেতিয়াও আমি এটা কোৱান্টিটি যেতিয়া বেলেগ এটা ইউনিটত লৈ যাম যিটো গিভেন ইউনিটতকৈ ডাঙৰ হয়, তেতিয়া আমি কনভাৰ্জন ফেক্টৰটোৰে ডিভাইড কৰোঁ। সেইকাৰণে আমি 2.5ক 100ৰে ডিভাইড কৰিছোঁ যাতে আমি থিকনেছটো মিটাৰত পাওঁ, আৰু আমাৰ থিকনেছটো আহিব তেতিয়া 0.025 মিটাৰ হ'লনে। তো আমি কোৱান্টিটিটো পাম এৰিয়া ইনটু থিকনেছ কৰি, যিটো হ'ব 2.5 মিটাৰ কিউব, হয়নে? এতিয়া চোৱা যেনেকৈ আমি প্লাষ্টাৰিঙত এড কৰিছিলোঁ নহয় কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ এক্সট্ৰা, ইয়াতো কৰিম। এক্সট্ৰা কিমান কৰিম, এক্সট্ৰা 10% এটা এড কৰিম, আৰু সেইটো কিহৰ কাৰণে, আনইভেন চাৰ্ফেচৰ কাৰণে। কাৰণ যেতিয়া আমি কংক্ৰিটৰ এটা ফ্ল'ৰ বনাম বা যিকোনো ফ্ল'ৰ কোৱা বা কিউব কোৱা, আমাক ফ্ল'ৰ কৈছে কাৰণ যেতিয়া আমি ফ্ল'ৰ এটা কাষ্ট কৰিম তাতে আমাৰ কিছু চাৰ্ফেচটো আনইভেন হৈ যাব। তাৰ কাৰণে সেই আনইভেন চাৰ্ফেচটো মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে আমি এক্সট্ৰা 10% এড কৰিম, যিটো কোৱান্টিটি আমি গিভেন ডেটাৰ পৰা কেলকুলেট কৰিলোঁ। তো গিভেন ডেটাৰ পৰা আমি কেলকুলেট কৰি পাইছিলোঁ 2.5 মিটাৰ কিউব, তাৰ লগত আমি 10% এক্সট্ৰা, দেট ইজ 2.5 প্লাছ 10% অফ 2.5, আমি কৰি পিনে কিমান পাম, 2.75 মিটাৰ কিউব, হ'লনে? তো এইটো আমি পালোঁ ৱেট ভলিউম। তো ৱেট ভলিউমৰ পৰা আমি যেতিয়া ড্ৰাই ভলিউমটো উলিয়াম, সেই ড্ৰাই ভলিউমটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমাৰ কি হ'ব, 50-55% এক্সট্ৰা এড কৰিব লাগে। আৰু সেইটোতো মই আকৌ মই এইটো ৰিপিট নকৰোঁ, এই যিটো কনচেপ্ট আছিলে য'ত আমি ভইডবোৰত পানী সোমাই যায়, সেই কনচেপ্টটোত আমি যাম, ঠিক আছে? তাৰ কাৰণে আমি এই ৱেট ভলিউমটোৰ লগত 50% অফ দ্য ৱেট ভলিউম প্লাছ কৰি পিনেহে আমি ড্ৰাই ভলিউমটো কেলকুলেট কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ ইয়াতে ড্ৰাই ভলিউম পাইছোঁ 4.125 মিটাৰ কিউব। নেক্সট আমি কিহৰ হেল্প ল'ম, নেক্সট আমি গ্ৰেড অফ কংক্ৰিটৰ যিটো মিক্স ৰেচিঅ' হয় সেইটোৰ হেল্প লৈ পিনেহে আমি ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ ভলিউম কেলকুলেট কৰিম। চ' ইয়াতে কিমান দিয়া আছে গ্ৰেড অফ কংক্ৰিট, M15। চ' M15ৰ মিক্স ৰেচিঅ'টো কিমান হ'ব, 1:2:4। তোমালোকে
ग्रेड अफ कंक्रीटर जी करेस्पन्डिंग मिक्स रेशियो एबुर भालकै सबा बारे प्रति कैसो एग्जाम एबुर बस्तु गिवन नाथाके केतियाबा तार कारणे तो इयाते आमाक दिसे 1:2:4 तो आमी गुटेकिटा पार्ट एड करि पिने किमान पाम 1+2 3+4=7 होलने सो आमार जदि एतु जदि आमार टोटल वॉल्यूम होय तात आमार की होबो आमी प्रथम equally हत्ता भागत आमी बस्तुटु भाग करिलम तारे की होबो एटा भाग होइसे आमार सिमेंट होलने ए पोर्शन तो आमार सिमेंट सो जेतिया आमी सिमेंट और वॉल्यूम लियाबले जाम 1/7 अफ टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम किमान आसिले 4.125 आरो एटुक आमी किमान पाइसु कैलकुलेट करि सो 0.59 मीटर क्यूब आरो ए मीटर क्यूब टुक जेते आमी नंबर अफ बैग्स अफ सिमेंट ले कन्वर्ट करबो लैबो तेते आमी 28.8 रे मल्टीप्लाई करिम आरो आमी किमान पाम नियर अबाउट 17 बैग्स होले तो सिमेंट होल नेक्स्ट अमर की आसे 1:2:4 दैट मींस दुभाग अमर की होय फाइन एग्रीगेट तो आमी जेते फाइन एग्रीगेटर वॉल्यूम टू लेबले जाम आमी की करिम फाइन एग्रीगेटर कारणे इधर आमी 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 पोर्शन करिम नहले 2/7 माने ए 7 भागर दुभाग जेते 7 भागर दुभाग माने हे फ्रैक्शन टू जेते यूज करे 2/7 तेते आमी मल्टीप्लाई किहर लगत करबो लैबो टोटल वॉल्यूम टू लगत आरो जेतु आमार हबो किमान आहिसे 1.18 मीटर क्यूब हैना नेक्स्ट आहिले तुमार कोर्स एग्रीगेटर कारणे आमी की करिम 1:2:4 तो 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 पोर्शन और 4/7 ऑफ टोटल वॉल्यूम कोरि पिने आमी पाम कोर्स एग्रीगेटर वॉल्यूम और एतु कैलकुलेट करि किमान पालु 2.357 दुइटाते तुमालके सेम वैल्यूए पाबा जुनतु तुमालके कंफर्टेबल होय हेटुए करिबा ठीक आछे सो याते तुमालोकर आन्सर आहिले 17 बैग्स 1.18 मीटर क्यूब आरो 2.357 मीटर क्यूब होले सो तुमालोकले म आरो एटा होमवर्क राखिसु हेतु होइसे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 150 मीटर स्क्वायर फ्लोर ऑफ थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10 सो याते दुताय डिफरेंस আছে এটা হৈছে গ্রেড অফ কংক্রিট টু আগৰটো M15 আছে ইয়াত M10 লৈ কৰিব লাগে আৰু ফ্লোর এৰিয়াটো 100 মিটাৰ স্কোৱাৰ আছে ইয়াতে 150 মিটাৰ স্কোৱাৰৰ কাৰণে কৰিব লাগে ঠিক আছে